आर्टिकल क्या है, डिटरमिनर है या डिटरमिनर परिवार का एक सदस्य है, नंबर वन। नंबर टू, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन। वेयर आर्टिकल्स आर यूज्ड, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। इसका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, इसका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर है कैट, तो हम लिखेंगे अ कैट या फिर द कैट, जो भी जैसे जरूरत हो वाक्य का, जैसे मांगो उस हिसाब से हम लोग खाली जगह को भरेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि दे आर यूज बिफोर नाउन्स। या फिर हम लिख सकते हैं कि एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, या फिर अ टाइगर, अ टाइगर, और द हावड़ा ब्रिज, द हावड़ा ब्रिज। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वी कैन फाइंड आउट दैट देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। व्हाट आर दे? दे आर, नंबर वन, आर्टिकल्स आर द मेंबर्स ऑफ डिटरमिनर्स, एंड नंबर टू, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है। नाउ एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। व्हाट आर दे? दे आर, दे आर डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स। दे आर डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स। अंडर डेफिनेट आर्टिकल्स वी कैन सी देयर इज द, वेयर इज। अंडर इंडेफिनेट आर्टिकल्स देयर आर टू मेंबर्स, दे आर ए एंड एन। हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल दो तरह का होता है। पहला है डेफिनेट आर्टिकल, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम लोग द को लेते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर हम लोग ए और एन को लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे बारी बारी से, गहराई से, इन दोनों चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का और इनडेफिनिट आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। हम लोग अब बारी बारी से, आहिस्ता आहिस्ता अध्ययन करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल का और डेफिनेट आर्टिकल का। तो सुविधा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से हम लोग सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। सुविधा की दृष्टि से सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि इंडेफिनिट आर्टिकल दो तरह का होता है। व्हाट आर दे? इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल आर टू, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर टू इन अ नंबर। व्हाट आर दे? दे आर ए एंड एन, दे आर ए एंड एन। नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस टू आर्टिकल्स बाय एंड बाय, स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू नो इन डेप्थ अबाउट ए एंड एन। हम लोग गहराई से इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ए की बात करें, कहां पर इस्तेमाल होता है? काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स मीन्स वी कैन काउंट देम, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। वन टाइगर, टू टाइगर्स, थ्री टाइगर्स, फोर टाइगर्स, वन चेयर, टू चेयर्स, थ्री चेयर्स, फोर चेयर, जिनको हम गिनती कर सकें, जिनको हम गिनती कर सकें। देन सेकेंड इज, दे आर स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। नंबर वन, देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यूजिंग ए आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर प्रोनंसिएशन मस्ट बी कॉन्सोनेंट साउंड, एंड नंबर टू, दे मस्ट बी काउंटेबल, उनको हम गिन सकें, और उसका जो उच्चारण है वह
कॉन्सोनेंट हो अर्थात व्यंजन हो, का से लेके ज्ञा तक उसकी ध्वनि हो, उसका उच्चारण हो। तो उस दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि ये समझ में आ जाए, कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे हम समझ सकें कि कहां पर ए का इस्तेमाल होता है। पहला शब्द क्या है, गिन सकते हैं, अ मैन, अ मैन, देन अ कैट, देन अ रूम, देन अ रूम, अ बेंच, अ पेन, ठीक है, सही है। हम लोग मैन को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं कितने आदमी है, एक है, दो आदमी, तीन, जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह बोलता है कितने आदमी थे, बस तो जवाब आता है कि मालिक सरदार तीन आदमी थे, तो हम लोग गिन सकते हैं। देन अ कैट, बिल्ली को गिन सकते हैं, फिर रूम, कमरों को हम लोग गिन सकते हैं, बेंच को हम गिन सकते हैं, लेकिन पेन, दर्द, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रही है, तो क्या हम उसको गिन सकते हैं, नहीं। दर्द को, खुशी को, बेचैनी को या तरल पदार्थ को हम नहीं गिन सकते हैं, इस दृष्टि से यहां पर ए का प्रयोग कतई नहीं होगा। एक चीज, पहला चीज है कि इसको हम गिन सकते हैं, इन चीजों को हम गिन सकते हैं और इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो जिन चीजों को गिन सकते हैं वहां पर ए और एन होगा, पक्का है। अब ए कहां होगा और एन कहां होगा, ए के लिए उच्चारण स्थान का से ज्ञा के बीच होना चाहिए, जैसे अ मैन उच्चारण है मा, अ खैर उच्चारण है का, अ रूम उच्चारण है रा, अ बेंच उच्चारण है बा, यानी कि सारे आवाज मा का रा बा, सारे आवाज का से लेके ज्ञा के बीच में है, अर्थात ऑल द साउंड्स आर फ्रॉम कॉन्सोनेंट एरिया, ऑल द साउंड्स आर फ्रॉम कॉन्सोनेंट एरिया। सो नाउ वी कैन फाइंड आउट दैट ए आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड एंड नंबर टू दे आर काउंटेबल, फॉर काउंटेबल नाउन एंड फॉर कॉन्सोनेंट साउंड्स ए इज यूज्ड। नाउ कम टू एन पार्ट, अब हम लोग एन पार्ट में जाते हैं। ए की तरह एन का भी कुछ शर्त है, देयर आर सम कंडीशंस विद एन, व्हाट आर दे, दे आर नंबर वन काउंटेबल नाउन्स, एज यू कैन सी इन ए, सेम थिंग इज हियर, हियर यहां पर भी वही चीज है, लेकिन यहां का जो शर्त है कुछ अलग है। क्या क्या है, जगह से पहले उदाहरण देखेंगे तब जाकर हम लोग समझ पाएंगे। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज, देन इंक पॉट, देन बुक, देन अम्ब्रेला, देन अम्ब्रेला, देन जग, देन जग, देन जग। नाउ इन सारे उदाहरणों को अब हम लोग देखते हैं कि एन कहां तक फिट बैठता है, एंड दीज एग्जाम्पल्स वी शुड चेक देम वेयर हाउ फार एन इज सुटेबल फॉर देम। हमने कहा कि ए के इस्तेमाल के लिए हमारा उच्चारण क से लेके ज्ञा तक होना चाहिए, आई मीन टू से The sounds must be begin with consonant sound, ka, kha, ga, ga, pura gya tak. But in case of n, the sound must be from a to gya. I mean to say, a, e, e, o, e, a, o, o. If any English word, the pronunciation of that particular is beginning with a, e, e, u, u, a, i, o, a, number one, and they are countable, in that case, we can use n. तो उस हिसाब से हम
कोशिश करते हैं बनाने का। उच्चारण स्थान है कुछ और की तरह होता, ऑरेंज एन ऑरेंज। देन इंक पॉट ई, इन दैट केस वी कैन राइट एन। दवात की शीशी को गिन सकते हैं हम लोग और इसका उच्चारण ई से है। बुक, बुक यहां पर एन भर दिए। अम्ब्रेला आ से चालू हो रहा है, हमने एन भर दिया। उसी तरह से जग, जा से शुरुआत हो रहा, हमने भर दिया एन। तो हम देखते हैं कि एन सही है, ए भी सही है, ए भी सही, लेकिन ए दोनों गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसका जो उच्चारण है जा से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। बुक का उदाहरण बा में देखते हैं कि बा से शुरू होगा, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा। ऐसी स्थिति में एन का जो नियम है वह फिट नहीं बैठता है, इसलिए इस उदाहरण को हम लोग गलत साबित करते हैं, इस उदाहरण को हम लोग गलत साबित करते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। एन अन टी डी रूम अ, देन एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम अ, एन एन इम्पॉर्टेंट, एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एन इम्पॉर्टेंट थिंग बिगिनिंग विद ई, देन ओनेस्ट बॉय, ओनेस्ट बॉय, हियर समथिंग ऑनेस्ट एन, एन एच डी ओ ए। मीन्स जब कोई भी नाउन जिसको हम गिन सके और जिसका उच्चारण अ अ ए ई उ उ ए ऐ ओ औ से शुरू हो तो हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे, और यदि वस्तुओं को गिन सके और उसका उच्चारण का ख ग घ ग च छ ज ज ञ ट ठ ड ड ण ता थ द ध न इससे शुरुआत हो तो ए करेंगे, वहां पर ए का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हम आप सबको एक चीज बता देना बहुत जरूर समझते हैं कि जो हमारा परंपरागत पढ़ाई था, एक समय हम लोगों को यह सुनने मिलता था विद्वानों से कि जब कोई अंग्रेजी का वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरुआत हो तो हम लोग वहां पर एन का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई अंग्रेजी का वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरुआत हो तो हम लोग वहां पर एन का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन व्हेन यू बाय एन इंग्लिश वर्ड दैट इज बिगनिंग विद ए ई आई ओ यू, देयर वी कैन यूज एन। मैं जहां तक समझता हूं कि नियम गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जोड़ना या बदलाव बहुत जरूरी है। इसको अगर हम ऐसा कहें कि ए ई आई ओ यू से के बदले अगर हम कहें कि जो भी अंग्रेजी का ध्वनि या उच्चारण, जो भी जिस भी शब्द का उच्चारण अ अ ई ई उ उ ए ऐ ओ हो तो वहां पर एन का प्रयोग करें, ऐसा अगर बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी, 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 हालांकि दो द वर्ड इज बिगनिंग विद यू, दो द वर्ड इज बिगनिंग विद यू, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग या, इट्स एंड या इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स वाई एन, राइटिंग एन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट आंसर, बट इट शुड बी अ यूनिवर्सिटी, इट शुड बी अ यूनिवर्सिटी। सिमिलरली वी कैन गिव अनदर एग्जाम्पल, यूनिक, यूनिक आइडिया, अ यूनिक आइडिया, दो द वर्ड इज बिगनिंग विथ यू बट इट्स अ प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग या, समथिंग या, दैट्स वाई बेटर यू शुड गिव हियर, यू शुड पुट हियर ए। ये तो हमारा एक चीज हुआ। दूसरा चीज ऐसा है कि कई बार
ए ई आई ओ यू से शब्द शुरुआत नहीं होते हैं, फिर भी वहां पर एन का प्रयोग होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस एग्जाम्पल, एन एन सी सी ऑफिसर, द वर्ड इज बिगनिंग विद ओएल साउंड। सिमिलरली एच डी ई ओ, एन एच डी ई ओ, बिकॉज यू कैन सी हियर द साउंड ऑफ द वर्ड इज बिगनिंग विद अ वोवेल साउंड। सिमिलरली एन ऑनेस्ट बॉय। हियर वंस अगेन सेम रूल इज बीइंग रिपीटेड, हियर द प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड इज बिगनिंग विद ऑनेस्ट और एन आवर लेट। वंस अगेन सेम एग्जाम्पल, फिर से वही एग्जाम्पल। इसलिए बच्चों, 100 बात की एक बात हमको मोटा मोटी तौर पर दो नियम बांध लेना चाहिए, जिसको गिन सकते हैं ए और एन तो होना पक्का है। अब जिसका उच्चारण आ से लेकर अ तक हुआ वहां एन होगा, जिसका उच्चारण का से लेकर या तक हुआ वहां ए होगा। देन इंडेफिनिट आर्टिकल, अब हम लोग स्लाइड में देखे थे, शुरुआती दौर में देखे थे, या यदि आप चाहे तो मैं इसको फिर से दिखाना पसंद करूंगा कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। और फिलहाल हम लोग अभी इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या होता है। अभी तक तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि इनडेफिनेट ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, अब कुछ और विशेष गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनिट मीन्स कच्चा, कोई ठोस ठिकाना नहीं, कोई ठोस जानकारी नहीं, कोई हमारे पास निश्चित डेटा नहीं है, जानकारी नहीं है, यही है इनडेफिनिट आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉय, एनी बॉय, एक लड़का है। कौन लड़का, कहाँ का लड़का, कैसा लड़का? वो लड़का पंजाब से है, हरियाणा से है, चेन्नई से है, हमको नहीं मालूम। वो लड़का परिवार से है या दूसरे परिवार से है या आसपास का कहीं का है, नहीं मालूम। दैट्स वाई वी आर नॉट सर्टेन, वी आर नॉट परफेक्ट रिगार्डिंग दिस बॉय, एंड दैट्स वाई वी कैन यूज हियर ए। हमको अभी एक ठोस जानकारी नहीं है, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया, एनी बॉय। और बेटर आई कैन यूज अ बॉय। सिमिलरली नंबर टू, देयर इज अ काउ, कौन सी गाय, कैसी गाय, किसकी गाय, कौन सी रंग की गाय, कब की गाय, कितनी बड़ी गाय, वी हैव नो एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द काउ, दैट्स वाई वी कैन राइट अ काउ। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अ काउ। अब चूंकि हमने यहां तक आपको बताया कि ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है और इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब इसका एक खास उच्चारण हो और इसको गिन सकते हैं, हम कहाँ तक समझें, आपने कहाँ तक मेरी बातों को अंगीकार किया है, समझने का प्रयास किया है, हाउ फार यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, व्हाट डिड आई टीच यू हियर, व्हाट डिड आई टेल यू हियर, वी आर गोइंग टू एसेस योर अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स एंड सम प्रैक्टिस। कुछ प्रैक्टिस के माध्यम से आप कितना समझ पाए उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज वन, पुट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग फ्रेजेज। नीचे कुछ फ्रेज दिया गया है, अर्थात सामान्य भाषा में कुछ शब्द समूह दिया गया है, वहां पर ए या एन का इस्तेमाल करेंगे।
या तो ए या फिर एन का इस्तेमाल करेंगे। हमारे सामने अभी सिर्फ दो शर्त है ए या एन, क्योंकि हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। वी आर लर्निंग एट प्रेजेंट अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू असेस योर अंडरस्टैंडिंग। एंड हियर यू कैन सी सम ऑफ द सेंटेंसेस आर गिवेन, कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए, कुछ फ्रेजेज यहाँ पर दिए गए हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हैप्पी मैन, अ हैप्पी मैन एक आपके लिए पहले से कर दिया गया है, अ हैप्पी मैन। हम लोग यहाँ पर दो चीज को देखेंगे, सिर्फ उच्चारण को देखेंगे, उस हिसाब से ए और एन उसमें डालेंगे। इंटरेस्टिंग प्ले ई, तो हो जाएगा ए इंटरेस्टिंग प्ले। यूनिवर्सिटी टीचर यू, ए। उसके बाद है एस्पिरिन टेबलेट, एस्पिरिन टेबलेट, इट्स प्रोनंसिएशन इज एस्पिरिन टेबलेट, ए। एंड वी कैन पुट हियर एन। नाउ इंग्लिश नेम ई, ई, देन एन इंग्लिश नेम। आफ्टर दैट गो टू नंबर सिक्स, एंग्री टाइगर, ए। देन वी कैन राइट एन एंग्री टाइगर। उच्चारण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जहां तक ए और एन आर्टिकल की बात हो, उच्चारण एक महत्वपूर्ण चीज है। देन ओल्ड मैन, एन ओल्ड वुमन। अर्जेंट मैसेज आ, अर्जेंट मैसेज एन। देन यूनिक अपॉर्चुनिटी, यूनिक अपॉर्चुनिटी, यहां पर हम लोग इसका उच्चारण कुछ यू से लिखते हैं, यूनिक अपॉर्चुनिटी। और हालांकि यहां पर जो हमारा शब्द है वह यू से शुरुआत हो रहा है, लिखने की स्थिति में ये एक ओवल लेटर है, लेकिन इसका जो उच्चारण है कॉन्सोनेंट की तरह होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए का उच्चारण करेंगे। और यह एक बार दोहराया जा चुका है, यह एक बार दोहराया जा चुका है। देन यूरोपियन, यूरोपियन लैंग्वेज, इसका भी उच्चारण कुछ ऐसा ही है, तो यहाँ पर यूरोपियन लैंग्वेज, तो यहाँ पर वही उदाहरण पुनः एक बार आप सबों के सामने है। चलिए इस तरफ आते हैं, एच ई स्कूल, एच ई स्कूल, हमको ए भरना चाहिए क्योंकि उच्चारण एच है, लेकिन इसका उच्चारण है एच, शुरुआत हो रहा है एच से, इसलिए हम लोग यहाँ पर एन भरेंगे। उर्दू टीचर ऊ, अ अ ई ई ऊ ए ऐ ओ औ। देन हियर प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग ऊ, इन दैट केस वी कैन फिल अप देयर ए एन। नाउ ऑनरेबल मैन, ओ ओ ऑनरेबल मैन समथिंग अ, वी कैन पुट एन हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हियर अनदर इंपॉर्टेंट गैप इज वेटिंग फॉर यू, एक्स एम।